हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इन्वेस्टिंग विद हरदीप में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं एक नई वीडियो और एक नए अपडेट के साथ में। देखिए, मार्केट अच्छे खासे पॉजिटिव मूड में देखने को मिल रही है, लेकिन कुछ शेयर ऐसे होते हैं जो मार्केट के अपोजिट ट्रेंड अपने आप को फॉलो करते हैं। यानी कि पैनी शेयर्स की बात करूं तो मैं लीसा इंडस्ट्रीज की आज बात करूंगा, क्योंकि स्टॉक जो है अपने सपोर्ट लेवल्स के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। तो मैंने कल की वीडियो में बताया था कि आज के दिन या फिर मंडे या के दिन जो है आपको स्टॉक में करेक्शन देखने को मिल सकती है, सर्किट ओपन होते हुए देखने को मिल सकता है। तो क्या कुछ बाइंग प्रेशर सेलिंग प्रेशर आज लीसा इंडस्ट्रीज के अंदर देखने को मिल रहा है और क्या संभावनाएं बनती हैं आज की डेट में सपोर्ट लेवल्स की कि भी आज जो है स्टॉक में आपको करेक्शन देखने को मिल जाए, तो इसके बारे में आज बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले, आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप लोगों तक तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। क्योंकि आप लोगों का एक सब्सक्राइब जो है मुझे और मोटिवेट करता है, ताकि सही स्टॉक्स के बारे में सही टाइम पे सही जानकारी इस चैनल पे मैं आप लोगों को हमेशा देता रहूं। और आप मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से अगर जुड़ना चाहते हैं तो का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। मेरे दोनों ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं अपडेट्स के लिए भी और क्वेरीज के लिए भी। तो मार्केट पॉजिटिव मूड में है। और वीसीयू डाटा मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं तो देखिए, लीसा इंडस्ट्रीज के लिए बोला है मैंने, लीसा इंडस्ट्रीज की मैं जस्ट इन्फॉर्मेशन बताई है मैंने, लेकिन बात करेंगे हम वीसीयू डाटा मैनेजमेंट की। तो 65.15 रुपये पर स्टॉक चल रहा है और आज जो स्टॉक में तेजी है 3.05 रुपये की है, 4.91% का अपर सर्किट जो है स्टॉक में लगा हुआ है। वहीं अगर मैं 5 दिन की बात करूँ तो 5 दिन में 21% के रिटर्न दिए हैं स्टॉक ने। अगर एक महीने की बात करूँ तो 187% की रिटर्न जो है वीसीयू डाटा मैनेजमेंट आप लोगों को ऑलरेडी दे भी चुका है। वहीं अगर मैं 6 महीने की बात करूँ तो 379% के रिटर्न दिए हैं स्टॉक ने। और आज का बाइंग और सेलिंग प्रेशर देखो तो 5,49,316 शेयर्स का बाइंग प्रेशर और 16,385 शेयर्स का सेलिंग प्रेशर है। 2,22,936 शेयर्स का वॉल्यूम भी जो है वीसीयू डाटा मैनेजमेंट के अंदर ऑलरेडी आज जो है ट्रेड हो भी चुका है। अब बात आती है कि वीसीयू डाटा मैनेजमेंट को जो है सेल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो बात करेंगे हम टेक्निकल चार्ट के अंदर। मार्केट कैप 101 करोड़, टीटीएमपी 42.61, बुक वैल्यू शेयर 19 रुपए और सेक्टर पी 28.37 है। देखिए, पी जो है ओवरबोट थोड़ा सा है, ज्यादा नहीं है, 40 पॉइंट्स के अराउंड रहता तो ठीक ठाक रहता, लेकिन पी जो है 42 के अराउंड चला गया, 42.5 के ऊपर चल रहा है, तो ओवरबोट जोन में चला गया है। अगर टेक्निकल चार्ट की बात करूं तो आरएसआई लेवल भी जो है ओवरबोट चल रहा है, 100 पॉइंट्स के अराउंड है। तो जिन लोगों ने नीचे के लेवल्स पे जो है वीसीयू के अंदर बाइंग कर रखी है, तो अगर वो सेफली एग्जिट करना चाहते हैं तो आज मौका है, वो सेफली एग्जिट करके निकल सकते हैं। क्योंकि जल्दी ही जो है वीसीयू के अंदर आरएसआई लेवल और पी रेशियो के अकॉर्डिंग जो है गिरावट हो सकती है जल्दी ही, और जैसे ही लोअर सर्किट लगेगा फिर आप स्टॉक को जो है सेल नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए सेफली एग्जिट करने का आज आपके पास बहुत ही शानदार मौका है। मार्केट भी जो है 2 दिन फिर बंद रहेगी और हो सकता है मंडे के दिन एकदम से जब ओपनिंग हो तो स्टॉक में कहीं आपको लोअर सर्किट ना देखने को मिल जाए। और देखिए, पैनी शेयर्स के अंदर हमेशा अपना एक नजरिया रखिए, 20-30-40% निकाला और स्टॉक को सेल किया, क्योंकि डेली कुछ ना कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जिनमें हमें तेजी देखने को मिलती है, उनमें इन्वेस्टमेंट कीजिए अगर करनी है आपको पैनी शेयर्स के अंदर, क्योंकि पैनी शेयर्स के अंदर रिस्क बहुत ज्यादा होता है। तो ज्यादा लालच करेंगे तो फिर नुकसान की तरफ चला जाएगा वो। तो इसलिए 30-40% निकाला स्टॉक से और उसको एग्जिट किया पैनी शेयर्स के अंदर, यही सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी है और इसी को फॉलो भी करना चाहिए। क्योंकि देखिए, एक दिन के अंदर कोई करोड़पति नहीं बन सकता, और अगर आप रिस्क ही ले सकते हैं, रिस्क भाई मुझे तो ये कि हाँ मैं तो बल्क में ही इन्वेस्टमेंट करूंगा और बहुत ज़्यादा है रिस्क ले सकता हूं, तो फिर आप किसी भी स्टॉक को कभी भी आंख बंद करके ले सकते हैं, वो तो आपकी खुद की कॉल है। बट लेकिन अकॉर्डिंग टू टेक्निकल चार्ट अगर वीसीयू में आपने होल्डिंग्स ले रखे हैं तो आप आज सेफली एग्जिट करके निकल सकते हैं स्टॉक में। आरएसआई लेवल ओवरबोट है, पी रेशियो ओवरबोट है, तो मंडे के दिन हो सकता है करेक्शन देखने को मिल जाए और फिर लोअर सर्किट लगेगा तो आप स्टॉक को सेल नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ध्यान रखें, अगर वीसीयू के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो आज सेफली एग्जिट करने का बहुत ही शानदार मौका हमें देखने को मिल रहा है। आरएसआई जो है 100 पॉइंट्स के अराउंड देखने को मिल रहा है। रेजिस्टेंस लेवल की बात करूं तो तीनों रेजिस्टेंस लेवल से स्टॉक जो है ऊपर ट्रेड कर रहा है। सपोर्ट लेवल जो है सीधे 62.03 रुपये का ही देखने को मिल रहा है। आप खुद से अंदाजा लगाइए कि 65 रुपये का स्टॉक चल रहा है अभी और सपोर्ट लेवल सीधा 62 रुपये का दिखा रखा, तो ऑब्वियसली बात है 3-4 रुपये के आसपास की करेक्शन जो है एकदम से हमें फिर वीसीयू के अंदर देखने को मिल सकती है। प्राइस परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग, एक साल से अंदर जो है लगभग 1000% के रिटर्न दिए हैं। बट लेकिन टेक्निकल चार्ट में आप लोगों को एक चीज जरूर समझ आई होगी यहाँ पे, देखिए कि पहले जो है थोड़ी थोड़ी गिरावट थोड़ी थोड़ी तेजी थी, लेकिन जब एकदम से भागा है तो एकदम से करेक्शन जब दिखेगी तो बहुत बड़ी करेक्शन भी देखने को आपको वीसीयू के अंदर देखने को मिल सकती है। वहीं अगर वॉल्यूम की बात करूं तो आज का वॉल्यूम भी अच्छा खासा है, 2 लाख का हो चुका है मार्केट ओपनिंग के टाइम। कल का वॉल्यूम 10 लाख का था, एक वीक का 11 लाख है और एक मंथ का 7 लाख का है। 7 लाख का इसलिए कि भाई धीरे धीरे करके जब स्टॉक में करेक्शन थी उस टाइम बढ़ा नहीं था स्टॉक, लेकिन एक वीक से लगातार तेजी है और एक मंथ में जो है करेक्शन भी आ चुकी थी और तेजी भी आ चुकी थी, इसलिए 7 लाख का वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। लेकिन एक वीक का और कल का वॉल्यूम अच्छा खासा है, 10-11 लाख का है। तो लॉन्ग टर्म वाले तो अभी जो है अगर सेफली, जिनका शॉर्ट टर्म का नजरिया है वो भी निकल सकते हैं और लॉन्ग टर्म वाले को भी
एक चीज़ जरूर एडवाइस करूंगा कि अगर उनका लॉन्ग टर्म का इरादा है तो स्टॉक अब गिरने वाला है जल्दी, क्योंकि आरएसएल लेवल और पी रेशो बहुत ज़्यादा बड़े हुए हैं। तो जैसे ही गिरेगा स्टॉक फिर आपसे फिर से बाई करके चल सकते हैं या फिर एवरेज करके चल सकते हैं उस टाइम, अगर आपको ऐसा ही लग रहा है। जिनका शॉर्ट टर्म का नजरिया वो आज सेफली एग्जिट करके जो है वीसीयू के अंदर से निकल सकते हैं और अपना कैपिटल सेव या प्रॉफिट जो जितना भी कमाया है वो सेव कर सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।